जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है वो आपका बॉक्स है, उसके बाहर आप चाहें भी तो नहीं सोच सकते, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और अ पोटैटो और एन एनिमल। किसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नीयत के साथ में करते हो, ये दोनों चीजें जब जा करके मिल जाती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो कुछ कमाल का होता है। माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। अगर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर सही से करते हो तो अब क्या फिगर आउट करना रह गया, ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है, वो सीखना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर के अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो हजार कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं 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 देखो यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अब आपके लिए बिजनेस है। अगर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, तो सब कुछ आसान है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो, सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, सबके फायदे के बारे में सोचते हो।